आप मोरंग का सबका हार लोग हैं, वो आई है या नहीं आई है? हेलो उसे लेकर आए हैं। एक मिनट, मैं खुद उसे उस डोली से उतारूंगी। महारानी जी, इनको उतार के ले जाइए रंग महल में जी। ए, मंत्री वजीर सेनापति सब है, जिसको बोलो वो चारों पट्टी इस राजमहल का सेवा करें। मेरी अतिथि आई है, जाओ। अरे आप ऐसे खड़ी हैं जैसे कोई पत्थर का देवता। आइए मैं आपको अपने झरोखे पे बैठाती। अरे दादा, ये चाल कैसा? ये चाल नहीं है तो लाजवाब है, ये लाजवाब नहीं है तो बवाल है। अरे मैं आपको इधर बुलाती हूँ और आप उधर हो जाती हैं। अरे ये क्या? अरे यू बहन, अरे ओ बहन, हे महारानी। हेलो, अगर आप जी जान पकड़ देते हैं तो मैं कुछ कह सुनाती हूँ। हाँ कहिए, क्या कहना है? आप क्या कहने के लिए चाहते हैं? मैं तो आपको उस झोपड़ी से बुलाई हूँ। मैं इसलिए बुलाई हूँ कि मेरे पिता और मेरे भाई का डर से इस राजमहल में कोई नहीं आती है, लेकिन मैं चुपके से आपको बुलाई हूँ कि बैठकर तो बातें हो जाता, आप कहाँ का रहने वाली हैं और क्या करती हैं, आपका चेहरा कैसा है, ये देखने के लिए मैं बुलाई, बातें करने के लिए मैं बुलाई हूँ। महारानी, क्या क्या हमें आप देखने के लिए बुलाए हैं? हाँ
ठीक है अब चलिए 20 रुपये का पुरस्कार। नाम नहीं जानते किनका नाम है। सुक्कू कोसुत का विदेशी मास्टर विदेशी के सुक्कू पासवान। हाँ 20 रुपये दिए। चलिए 1,500 रुपये का पुरस्कार हम लोग की तरफ। नाम है ए पहले आप मेरे साथ झरोके के पास चले। आइए अंदर चलो। कोई दिक्कत की बात नहीं है। अरे ओ बहन मैंने तुम्हें इज्जत और सत्कार के साथ बुलाई हूं और मैं झरोके पे बैठ रही हूं तुम झरोके से नीचे बैठ रही हो। ये उचित नहीं है। हे महारानी क्या मैं इसलिए नहीं बैठती हूँ। सुनिए मैं कह करके बतला देती हूँ। हाँ है जी डर लगता है। हाँ। अरे पागल मैं अमीर घर की हूँ और तुम गरीब घर की हो ऐसा मैंने कभी तुमसे बोली हूँ कभी नहीं बोली। जब मैं नहीं बोली तुम ऐसा क्यों सोचती हो। नहीं तुम मेरे साथ इस झरोके पे बैठो तब मैं तुमसे बातें करूंगी अन्यथा नहीं बात करने वाली। क्या हमसे बात नहीं कीजिएगा इसे। नहीं आपको साथ बैठूं। हाँ तो उसके बाद मैं कुछ कहूंगी तुमसे। हमें कुछ नहीं होगा। क्या होगा यह कुछ हमें ना होगा।
यहाँ कुछ होगा नहीं भाई, क्या होगा, हमें डर लगती है। अरे पागल, एक इस राजमहल में तुम हो और इस राजमहल में मैं ही हूँ, तो डर कैसे। आ आ ए बहन, एक नारी होकर एक नारी से पर्दा कैसा, ऐसा करो तुम अपना इस घूंघट को हटा लो। बहन क्या, अभी मैं इस राज में आई हूँ। हाँ नहीं नहीं आई हूँ, इसे हमें बहुत शर्म लगती है, लज्जा आ रहा है। हाँ, लज्जा रहा। पगली लजाती काहे हो, भर पेट खाती हो तो लजाती काहे हो, लजाना नहीं नहीं, ऐसा करो तुम अपना घूंघट हटाओ। या प्रभु, जैसा मैं उस फूल के माला को देखी थी, उस माला से भी 100 गुना खूबसूरत यह नारी है। नहीं लगती है क्या कोई मालन की बेटी है। ऐ बहन, तुम तो लगती हो ना कि राजकुमारी की पुत्री हो, लेकिन एक बात बताओ, कौन सी बात है। हमें देखने के लिए तुम बुलाई थी, देख ली, अब हमें आ गया तो कि मैं चलो। सुनो, जब मेरे यहाँ आई हो तो ऐसा ही चल जाओगी। आगे सुंदर भोजन आगे बहिनी कारा गई के झरखरा
कानून है महारानी, आप मेरे यहाँ आई हो तो पहले भोजन करो, उसके बाद चली जाना। सुनिए, क्या मैं छोटा घर की बच्ची हूँ, बड़ा घर की पुत्री, ठीक है मैं खा लूंगी, आप पलंग पर बैठ करके खाइए, मैं नीचे बैठ करके। नहीं, क्या दिक्कत की बात है? अरे इसमें छोटा और बड़ा, राजा और प्रजा, सेवक का कहां से बोला गया? नहीं, आप मेरे साथ में भोजन करो, चलो सीधा हो जाओ। तुम्हें पूरा विचार है कि साथ में भोजन करूं? हाँ, मैं आपको खिलाऊंगी, तुम मुझे खिला देना। आगे सूरत तो आगे लागे आगे चांदा चीतो और भोजन करोगी? बहन, क्या अब हमें आज्ञा दो कि मैं चलूं? तुम जाओगी? हाँ, जाओगी कैसे? एक तो मेरे यहाँ कोई स्त्री नहीं आती है, और तुम आ भी गई हो तो कती जाती हूँ। अरे बताओ तो जो कही कि संग बैठो, तो मैं बैठ गई। बैठ गई? हाँ, भोजन करने के लिए कही, भोजन भी सब बात मान ली। हाँ, तो एक बात और मान लो। वो कौन बात है? आगे कराना विश्राम मांगे बहिन, आगे मेरे साथ विश्राम कर लो, उसके बाद चले जाना, कुछ बातें करना है। अरे तुम्हारा हाथ इतना कड़ा कैसे है? बहन, कड़ा कैसे है? कैसे आप महाराज,
आप बड़ा घर के पुत्री हैं, महारानी को पुत्री कहलाते हैं, इसलिए आपको मुलायम कलाई है। अब मैं गरीब घर के बच्ची हूँ, घास भूसा करती हूँ, इसलिए हमारे कलाई जो है कड़ा है। और कोई बात नहीं है, पूछ गई, समझ गई, जान गई। चलो हम लोग विश्राम करते, उसके बाद तुम चले जाना।